राधे राधे। भगवान भोलेनाथ के पावन पर्व की सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पोस्ट में जानेंगे जनवरी के पहले प्रदोष व्रत के बारे में। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत महत्व है। हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी की पूजा आराधना के लिए समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है प्रदोष व्रत को शिव जी की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। पंचांग के अनुसार नए साल की पहली त्रयोदशी तिथि मंगलवार को पड़ रही है, इसीलिए इस प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन भगवान शिव जी के साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है, जिससे जीवन की सभी बाधाएँ दूर होती हैं। आइए जानते हैं इस दिन शिव पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। जानेंगे महत्व पूजा सामग्री सहित समस्त जानकारी। पहले नोट कर लीजिए, भौम प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री में कौन कौन सी चीज़ें जरूरी होती हैं। भौम प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने के लिए 5 फल, 5 प्रकार के मेवे, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुछ से बने आसन, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगाजल, धूप, दीप, रोली, मौली, 5 मिष्ठान, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, तुलसी दल शिव जी को नहीं अर्पित किया जाएगा, ये भगवान श्री गणेश जी के लिए है, और मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, कपूर, चंदन, भगवान शिव और माता पार्वती के श्रृंगार की सामग्री आदि चीज़ों का उपयोग भौम प्रदोष व्रत में होता है। और अब जानते हैं भौम प्रदोष व्रत का महत्व। भौम प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में शिव पुराण और अन्य हिंदू धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है। भौम प्रदोष व्रत भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन का विशेष महत्व है। इस दिन मंगल ने तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और मंगल लोक को प्राप्त किया था, इसीलिए ये माना जाता है। जो व्यक्ति भौम प्रदोष व्रत का पालन करता है और भगवान शिव जी की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भौम प्रदोष व्रत की शक्ति ऐसी है, ये जीवन में सभी बाधाओं और नकारात्मक शक्ति को दूर करती है और आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, उसे ये पूजा और व्रत जरूर करना चाहिए। भौम प्रदोष व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करता है। भौम प्रदोष व्रत करने से निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति होती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये था भौम प्रदोष व्रत का महत्व। और अब जानते हैं भौम प्रदोष व्रत करने से क्या लाभ होते हैं। साल 2024 का पहला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष व्रत 9 जनवरी को है। इस बार इस दिन बेहद ही शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है। त्रयोदशी युग चतुर्दशी तिथि दोनों ही तिथि भगवान भोलेनाथ के पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, इसीलिए इस दिन पूजन करना अति लाभदायक है। और भौम प्रदोष व्रत के दिन हनुमान जी की आराधना करने वाले भक्त में आत्मविश्वास आता है तथा तेज की प्राप्ति होती है। मंगल भौम प्रदोष का दिन शनि साढ़े साती मंगल दोष निवारण के लिए विशेष मायने रखता है। ये व्रत कर्ज तथा ऋण मुक्ति के लिए सबसे अधिक खास है। मंगल का दिन हनुमान पूजन के लिए अति विशेष माना गया है। यदि मंगलवार को प्रदोष हो तो ये दिन अति शुभ माना जाता है, क्योंकि प्रदोष के देवता भगवान शिव हैं और इस दिन शिव जी का पूजन करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त की जाती है। हनुमान जी और मंगल देव की आराधना से मंगल ग्रह दोष शांत होता है। आइए जानते हैं इस दिन की डेट क्या है और तिथि क्या है। जनवरी महीने और पौष माह का पहला भौम प्रदोष व्रत 9 जनवरी 2024 मंगलवार को है। इस दिन साल 2024 की पहली मासिक शिवरात्रि भी है। भौम प्रदोष व्रत के दिन शिव जी और हनुमान जी की पूजा का विधान है। इस दिन शिव जी के साथ हनुमान जी की उपासना करने से अमंगल और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है।
भौम प्रदोष व्रत की तिथि की शुरुआत कब होगी जानते हैं। पंचांग के अनुसार 8 जनवरी की मध्य रात्रि में 11:59 पर त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है और 9 जनवरी को रात में 10:25 पर त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है। इस दिन वृद्धि योग भी रहेगा और चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, जिससे इस दिन धन योग भी बनेगा और शिव जी की पूजा के लिए इस दिन शिव पूजा मुहूर्त है। शाम को 5:41 से लेकर के रात के 8:24 तक इस दिन शिव जी की पूजा के लिए आपको समय मिलेगा 2:43 का। और अब जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की पूजा किस तरह करनी चाहिए। भौम प्रदोष काल का व्रत रखने वाला व्यक्ति ब्रह्म बेला में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में चावल लेकर अंध अह महादेवस्य कृपा प्राप्तये सोम प्रदोष व्रतम करिष्ये मंत्र का जप करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एक दिन प्रदोष काल में शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष तिथि में शिव जी की पूजा अर्चना करें और उपवास रखें और पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय एक बार फिर स्नान करके महादेव का जप करते हैं। इसके बाद पास के शिवालय में जाकर पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र, अक्षत, धतूरा, भांग, फल, वस्त्र, मिठाई, शहद आदि शिवलिंग को अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा सुने और शिव मंत्रों का जप करें। इसके बाद भगवान जी की आरती उतारें और अन्न जल ग्रहण करें। भौम प्रदोष व्रत के दिन ये कार्य जरूर करने चाहिए। भौम प्रदोष व्रत रखने वालों को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर के मंदिर में दीप जलाएं और व्रत लेने का संकल्प लें। फिर संध्या काल में पुनः मंदिर में दीपक जलाएं। इसके बाद सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक कर उन्हें पुष्प अर्पित करें। भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश की भी आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव को 5 फल, पंच मेवा और पंच मिष्ठान का भोग लगाएं। अंत में भगवान शिव की आरती करें। यदि संभव हो पाए तो पूजन और अभिषेक के दौरान भगवान शिव जी के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और इस दिन उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके प्रभु की पूजा करें। प्रदोष व्रत में शाम की पूजा का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इस दिन शाम के समय पूजा जरूर करें और पूजा के अंत में अपनी भूल चूक के लिए क्षमा अवश्य मांगें। और भौम प्रदोष व्रत में नमक, लाल मिर्च और अन्य का सेवन ना करें। तो ये थी दोस्तों जानकारी 2024 के भौम प्रदोष व्रत की। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ जरूर मिलेगा। आप और आपके परिवार पर भोलेनाथ और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इस कामना के साथ आपसे इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे ऐसी ही किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें। दोस्तों आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है और सांस फूलने की वजह से आवाज़ भी क्लियर नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। आप सभी का इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।